नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। भारतीय टीम से टेस्ट सीरीज खेलने से पहले दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट में भी घमासान मचता दिख रहा है। दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट में एक बार फिर से नस्लवाद को लेकर विवाद छिड़ गया है। एक रिपोर्ट में दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड के निदेशक ग्रेम स्मिथ और राष्ट्रीय टीम के मुख्य कोच मार्क बाउचर का नाम सामने आने से हड़कंप मच गया है। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने इस संबंध में सोमवार को बताया कि वह रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए नस्लवाद के आरोपों के बाद निदेशक ग्रेम स्मिथ और मुख्य कोच मार्क बाउचर की औपचारिक जांच करेगा। बोर्ड ने अपने बयान में कहा, सीएसए ने नस्लवाद या भेदभाव के आरोपों का अत्यंत गंभीरता से लिया है। बोर्ड दक्षिण अफ्रीका के श्रम कानून तथा संविधान के संदर्भ में निष्पक्षता और उचित प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए अपना कर्तव्य निभाएगा। सीएसए प्रक्रिया का सम्मान करता है और हम रिपोर्ट को विस्तार और समग्र तरीके से देख रहे हैं। बता दें कि भारत भी तमाम विवादों के बीच दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर पहुंचा है। ऐसे में विराट कोहली की कप्तानी में भारत को 3 टेस्ट मैच खेलने हैं, जबकि रोहित शर्मा की कप्तानी में 3 वनडे मैचों की सीरीज अफ्रीका से खेलनी है। टेस्ट सीरीज का आगाज 26 दिसंबर से सेंचुरियन में होगा, जबकि वनडे सीरीज 19 जनवरी से खेली जाएगी।